तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्रिकेट लाइव गुरु चैनल के सेगमेंट प्री मैच एनालिसिस में, जहां आज हम कवर करेंगे एशिया कप 2023 के सुपर फोर के फोर्थ मैच को, जिसमें भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली है भिड़ंत। वेल, आज के हमारे मैच प्रीव्यू में हम आपको बताएंगे पिच का हाल, वेदर रिपोर्ट, साथ ही साथ कुछ खिलाड़ियों के नाम भी जो कि इस मुकाबले में शानदार और कमाल का प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को जीत दिला सकते हैं और फाइनल की इस रेस में आगे बढ़ सकते हैं। वेल दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर क्रिकेट फैंस को काफी सारी उम्मीदें थी। 2 सितंबर को जो मुकाबला हुआ था वो भी बारिश से धुल गया, साथ ही साथ बारिश ने एक बार फिर से 10 सितंबर को क्रिकेट फैंस की उम्मीदों पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया। खैर दोस्तों, छोड़ते हैं ये बात, क्योंकि असली मुकाबला जो है वो फाइनल में देखने को मिलेगा कि फाइनल में कौन सी वो दो टीमें होंगी जो कि आपस में भिड़ती हुई नजर आएंगी और एशिया कप 2023 को जीतकर इसका खिताब अपने सर सजाएंगी। लेकिन दोस्तों, फाइनल से पहले उन मैचेस की भी बात कर लेते हैं जिसको जीतकर टीम्स फाइनल में जाएंगी, यानी कि इस वीडियो में जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच होने वाले एशिया कप 2023 सुपर फोर का फोर्थ मैच। तो आपको बता दें कि ये जो मैच है आर प्रेमदास स्टेडियम कोलंबो में ही खेला जाएगा 12 सितंबर को दोपहर 3 बजे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ की पिच रिपोर्ट से, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच के बीच में तो बारिश ने बाधा डाल दी थी, लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि क्या श्रीलंका और भारत के मैच में भी बारिश खलर डालेगी या नहीं, ये आपको आगे बताएंगे। फिलहाल पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस पिच पर खेले गए हैं टोटल मैचेस 130। ये मुकाबला दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के मैच से पहले का है, क्योंकि वहां पर बारिश की वजह से रिजर्व डे पर ये मैच खेला जाना है। तो वीडियो बनाने तक हम आपको पिच का हाल बता रहे हैं। तो यहाँ पर 130 मैचेस खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 76 मैचेस जीते हैं, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने 54 मैचेस में जीत दर्ज की है। एवरेज स्कोर फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम का रहा है 243 का। हाईएस्ट स्कोर रहा है टीम इंडिया के नाम, जिन्होंने 5 विकेट खोकर 375 रन बनाए थे। तो वहीं लोएस्ट स्कोर रहा है नीदरलैंड्स की टीम के नाम, जिन्होंने 10 विकेट पर 86 रन स्कोर किए थे। वेल, स्कोरिंग पैटर्न की अगर बात करें तो स्कोर बिलो 200 रहा है 21 टाइम्स, स्कोर बिटवीन 200 एंड 249 रहा है 52 टाइम्स, स्कोर बिटवीन 250 एंड 299 रहा है 37 टाइम्स, तो वहीं स्कोर अबव 300 रहा है 21 टाइम्स। तो दोस्तों, ये तो हो गई पिच की बात, लेकिन हेड टू हेड कंपैरिजन की बात करें, यानी कि देखा जाए कि भारत और श्रीलंका की टीम आपस में कितनी बार भिड़ी है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टोटल मैचेस दोनों टीम्स के बीच में खेले गए हैं 165। 11 मुकाबलों का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला था, एक मुकाबला टाई रहा था। तो वहीं इंडिया ने जीते हैं 96 मैचेस, तो वहीं श्रीलंका के नाम रहे हैं 57 मैचेस। तो ये तो हो गई ओवरऑल हेड टू हेड की बात, लेकिन दोस्तों ओडीआई एशिया कप में अगर दोनों टीम्स के हेड टू हेड पर नजर डाली जाए तो टोटल मैचेस खेले गए हैं 19, जिसमें से 9 जीते हैं भारत की टीम ने, तो वहीं श्रीलंका की टीम के नाम रहे हैं 10 मुकाबले। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर श्रीलंका की क्या प्लानिंग होगी भारत के खिलाफ, कौन से 11 खिलाड़ी होंगे जिन्हें जगह मिलेगी प्लेइंग 11 में, और वो भिड़ते हुए नजर आएंगे भारत की टीम के साथ, क्योंकि श्रीलंका की टीम कहीं ना कहीं अभी भारत से आगे चल रही है। क्योंकि यहां पर श्रीलंका नंबर 2 पर पॉइंट्स टेबल में आप देख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की टीम टॉप पर है, तो वहीं दूसरे नंबर पर है श्रीलंका की टीम। तो वो भारत को हराकर इस रेस में आगे बढ़ना जरूर चाहेगी। तो कौन से 11 खिलाड़ी होंगे, चलिए उनके नाम आपको बताते हैं। तो श्रीलंका के प्लेइंग 11 में जो खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं उनके नाम है पथुम निशंका, दिमुथ करुणारत्ने, कुशल मेंडिस, सदीरा समर विक्रमा, चरित असलंका, धनंजय दि सिल्वा, दसुन चनाका, दुनित वेलालगे, महेश दीक्षाना, कसुम रजिता और मथीशा पथिराना। तो ये वो 11 खिलाड़ी हैं जो कि भारत के खिलाफ हमें नजर आ सकते हैं भिड़ते हुए। लेकिन अगर केपीएस की बात की जाए, कौन से वो खिलाड़ी होंगे जो कि गेंदबाजी में अच्छे हैं, बल्लेबाजी में अच्छे हों, जो कि इस लीग में अच्छा प्रदर्शन करते हुए आए हैं, तो दोस्तों उनके नाम आपको बता देते हैं। वेल, आप इन खिलाड़ियों को अपनी ड्रीम 11 टीम का भी हिस्सा बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं की प्लेयर्स के नाम के साथ। तो पहला नाम है यहाँ पर कुशल मेंडिस का, जिन्होंने 3 मुकाबले खेलते हुए 147 रन स्कोर किए हैं। अगले जो बल्लेबाज हैं वो है चरित असलन का, जिन्होंने 3 मुकाबलों में 108 रन बनाए हैं। इनके बाद है पथुम निशंका का, जिन्होंने 3 मुकाबलों में 90 रन स्कोर किए हैं। दोस्तों यहाँ पर सधीरा समर विक्रमा का नाम भी हमने शामिल किया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश के खिलाफ जो श्रीलंका का मैच हुआ था वहां पर उन्होंने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी और 93 रन स्कोर किए थे। बता दें कि 7 रन से वो चूक गए थे, अगर वो 7 रन और बना लेते तो उनकी सेंचुरी भी कंप्लीट हो जाती। तो ये तो वो बल्लेबाज हो गए जिनकी कंसिस्टेंसी अभी हमें देखने को मिली है इस लीग में। लेकिन गेंदबाजी की अगर बात करें, क्योंकि दोस्तों देखिए यहां पर जितना जरूरी है रन बनाना उतना ही जरूरी है विकेट चटकाना भी, तो गेंदबाजी कितनी मजबूत है श्रीलंका की ये भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने शामिल किया है मथीशा पथिराना का नाम, जिन्होंने 3 मैचेस में 8 विकेट अपने नाम किए हैं। महेश दीक्षाना की अगर बात करें तो बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 3 विकेट चटकाए थे। और आखिरी नाम है दसुन चनाका का,
जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 3 विकेट अपने नाम किए थे। तो ये हो गई बात दोस्तों श्रीलंका की टीम की। अब आ जाते हैं भारत की टीम की तरफ, क्योंकि भारत के लिए ये मुकाबला जीतना बेहद जरूरी है अगर उन्हें एशिया कप 2023 के फाइनल में जगह बनानी है, क्योंकि यहाँ पर श्रीलंका के बाद उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला खेलना है और दोनों ही टीम से उन्हें ये मुकाबला जीतना होगा अगर उन्हें फाइनल में जाना है। तो अगर भारत की टीम यहाँ पर ये मुकाबला हार जाती है तो कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल खड़ी जरूर हो जाएगी। तो ऐसे में कौन से वो 11 खिलाड़ी होंगे जिन्हें रोहित शर्मा अपनी प्लेइंग 11 में शामिल करेंगे, उनके नाम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर जो खिलाड़ी शामिल रहेंगे वो है रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, जी हाँ दोस्तों श्रेयस अय्यर जो है वो बैक इंजरी की वजह से अभी बाहर हो गए हैं पाकिस्तान वाले मैच से पहले, तो यहाँ पर केएल राहुल को जगह मिल चुकी है। ईशान किशन है, इनके अलावा हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह की भी यहाँ पर वापसी हो चुकी है और वो टीम में आ चुके हैं वापस से, और इसीलिए मोहम्मद शमी को बाहर बिठाया गया है, और आखिरी नाम है यहाँ पर मोहम्मद सिराज का। तो ये वो 11 खिलाड़ी होंगे जो कि श्रीलंका के खिलाफ हमें भिड़ते हुए नजर आने वाले हैं। अब की प्लेयर्स की अगर बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर जो बल्लेबाज हैं उनमें हमने टॉपर नाम रखा है रोहित शर्मा जो कि टीम के कप्तान हैं। रोहित शर्मा ने अभी तक 3 मुकाबले खेलते हुए 141 रन बनाए हैं। शुभमन गिल की अगर बात करें तो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने भले ही पहले मुकाबले में रन नहीं बनाए हों लेकिन नेपाल के खिलाफ उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी, साथ ही साथ दूसरा जो मुकाबला था पाकिस्तान के खिलाफ वहां पर भी शुभमन गिल ने अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करते हुए 58 रन बनाए थे, और ओवरऑल स्टैट्स की अगर बात तो 3 मुकाबलों में उन्होंने 125 रन अभी तक स्कोर किए हैं। तो दोस्तों अगले जो बल्लेबाज है वो है विराट कोहली, जिन्होंने 94 बॉल्स में 122 रन की शानदार पारी खेली थी पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के गेंदबाजों के धुएं छुड़ा दिए थे। अगला नाम है दोस्तों केएल राहुल का, जिन्होंने अपनी इंजरी से वापस की थी पाकिस्तान के खिलाफ, इस मुकाबले में वो खेलते हुए दिखाई दिए थे और उन्होंने खुद को साबित भी किया है, और यहां पर उन्होंने मात्र 106 गेंद में 111 रन की शानदार शतकीय पारी खेली, और यहां पर हमें विराट कोहली और केएल राहुल का शतक देखने को मिला था। अब अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो रविंद्र जडेजा है जिन्होंने नेपाल के खिलाफ 3 विकेट चटकाए थे, मोहम्मद सिराज ने दोस्तों नेपाल के खिलाफ 3 विकेट अपने नाम किए थे। तो ये हो गए भारतीय टीम के वो खिलाड़ी जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है अभी तक, और उनसे उम्मीद है कि श्रीलंका के खिलाफ भी वो अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों वेदर की अगर बात की जाए तो देखिए 12 सितंबर को भारत और श्रीलंका के बीच जो मुकाबला होना है वहां पर भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या यहां पर भी बारिश इस मुकाबले में खलल डालती है या फिर नहीं। अब फाइनली अगर बात करें कंक्लूजन की तो देखिए पिच रिपोर्ट को देखते हुए यहां पर फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने ज्यादातर मैचेस जीते हैं, और जो सुपर फोर के मैचेस खेले गए हैं जो फर्स्ट मुकाबला हुआ था वहां पर भी श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ये मैच अपने नाम किया था, और यहां पर भी यानी कि सुपर फोर के फोर्थ मैच को भी फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम अपने नाम कर सकती है। और अगर टीम की बात की जाए टीम इंडिया भारी पड़ती हुई अभी तक नजर आई है श्रीलंका की टीम पर, तो यहां पर टीम इंडिया डेफिनेटली जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी टीम ये मुकाबला जीतेगी और जाएगी फाइनल की रेस में आगे? साथ ही साथ दोस्तों जाने से पहले आपसे मेरा एक सवाल भी है और वो ये है कि भारत की तरफ से वो कौन सा गेंदबाज होगा, क्योंकि अब यहाँ पर जसप्रीत बुमराह की वापसी हो चुकी है, रविंद्र जडेजा भी बहुत ही शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी है, गेंदबाजी में उनका कोई कमाल नहीं है, तो कौन सा वो गेंदबाज होगा जो कि सबसे ज्यादा विकेट अपने नाम करेगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन एशिया कप 2023 की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए क्रिकेट लाइन गुरु। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।